नमस्कार। हम सभी सेजेस सरोना परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट सेफ्टी पर रोल प्ले। किया था क्या? तूने उसे लॉग आउट किया? वो तो मैं
करना भूल गई। क्या तुम्हें नहीं पता रश्मि, किसी के डिवाइस में अपना लॉगिन, अपना डिवाइस, अपना आईडी लॉगिन करते हैं तो उसे लॉगआउट करना नहीं भूलना चाहिए। हाँ, और अपना सोशल मीडिया आईडी और प्राइवेट आईडी दोनों का ईमेल आईडी का पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए। और अपने डेट ऑफ बर्थ और नाम के अकॉर्डिंग पासवर्ड को नहीं रखना चाहिए और समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए। तो समझी रश्मि? हाँ समझ गई। अरे वाह, इतना अच्छा घड़ी, 20,000 की घड़ी 8,000 में मिल रहा है। मौका अच्छा है और ऑफर भी है। हाँ, और मम्मी का मोबाइल भी मेरे पास है, अब मैं मम्मी के पेटीएम से पेमेंट कर देती हूँ। ये हो गया पेमेंट। अरे ये क्या, इसमें तो ऑफर इवेंट बता रहा है। ओह नो, अब क्या करूँ, आज मम्मी से पक्का पिटाई पड़ेगी। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बताओ ना, कल जैसे मार पड़ी थी ना, वैसे याद भी पड़ेगी तेरे को। मम्मी वो ना मोबाइल पे ना एक मैसेज आया था जिसमें ना 20,000 रुपये ना 8,000 मिल रहा था, और मैंने ना किसी ना उसे ऑर्डर कर दी, और अभी ऑफर इवेंट बता रहा है। क्या ये, क्या क्या, तूने मेरा 8,000 रुपये कट गए और मुझे साइबर पुलिस के पास कॉल करना पड़ेगा। दिखा फोन। हेलो हेलो साइबर पुलिस। यस मैम। सर मुझे ये जानना था कि मेरे अकाउंट से 8,000 रुपये कट चुके हैं, तो आप मुझे चेक करके बता दीजिए। तो मैम आप स्क्रीनशॉट ईमेल का भेज दीजिए। हाँ ठीक है सर, मैंने अपने स्क्रीनशॉट करके आपके पास सेंड कर दिया है। मैम मुझे मिल चुका है, मैं चेक करके आपको बता दूंगी। हाँ ठीक है। तो अगर इस बार आइंदा से ऐसी गलती की तो तुझे बहुत मार पड़ेगी, समझी? जी मम्मी। चल ठीक है, चलते। अरे ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो हेलो सर, मैं SBI बैंक से बोल रही हूँ। यस मैम। आपको 2,00,000 रुपए का ऑफर मिला है। क्या मुझे 2,00,000 रुपए का ऑफर मिला है? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपके पास एक OTP आएगा, बस उसे आपको सेंड करना पड़ेगा। यस मैम। समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए।
अगर आपके साथ भी ऐसी दुर्घटना होती है तो साइबर पुलिस पर कॉल कीजिए। साइबर पुलिस का नंबर है 1930। धन्यवाद।